क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 इसका पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं सबसे पहले कि वह संख्या है x, बट जो आपने सिंपल इक्वेशंस की हैं ये उसी को आगे हम सीखेंगे। मान लो वह संख्या है x। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से एक एक चीज से एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, हमने संख्या मानी है x, इससे 1/2 घटाने यानी इसमें से 1/2 घटाने, ठीक है, पर जो परिणाम, परिणाम मतलब इसको हल करके जो आएगा उसको 1/2 से गुना करने पर, अब इसको 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है। दोबारा देखो बच्चों, इसी चीज को आप ध्यान से देखना। हमने मान लिया जो हमारी संख्या है, ये जो किसी संख्या की बात हो रही है, हमने उस संख्या को माना x। तो इन्होंने कहा आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, हमारी संख्या क्या थी x, इससे 1/2 घटाना है ना, तो माइनस एक एक्स माइनस 1/2, जो परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुना करने पर, परिणाम मतलब इसको हल करके जो आएगा इसको 1/2 से गुना करना यानी गुना 1/2, गुना करने पर 1/8 प्राप्त क्या हुआ यानी इस पूरे को हल करके क्या प्राप्त हुआ यानी यह किसके बराबर है, वह है 1/8। अब हमने इसे हल करना है। हल इसे कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखना बच्चों, ये 1/2 यहां इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है गुना, जब यह उधर जाएगा तो यह उल्टा हो जाएगा, एक ऊपर है यहां जाके नीचे आ जाएगा और दो नीचे है वहां जाके ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। दो यहां भाग हो रहा था उधर जाके गुना हो गया, एक यहां गुना हो रहा था उधर जाके हो गया भाग, ये उल्टा हो गया। बाकी यहां क्या बच गया, x माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये 2 और 8 जो है ये एक ही पहाड़े में कट सकते हैं, 2 के पहाड़े में, 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट सकते हैं ना, तो इसको हमने काट दिया। तो अब हमारे पास बन गया है x माइनस 1/2, जो यहां से ऐसे का ऐसे उतारा, यहां देखो 1 गुना 1 बन गया है 1 और 4 गुना 1 बन गया है 4, तो 4 आगे नीचे। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला छोड़ना है, तो ये माइनस 1/2 है, ये आपने पहले भी सीखा था, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसे हम आगे हल करेंगे, 4 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 4। जब भी दो संख्याएं ऐसी हो कि एक दूसरे के पहाड़े में आती हो तो बड़ी संख्या जो है वही लघुत्तम होती है, तो 4 और 2 का लघुत्तम 4, 3 और 6 का लघुत्तम 6, ठीक है, 5 और 10 का लघुत्तम 10, तो ऐसे ही यहां पर 4 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 4। अब इसे कैसे हल करते हैं, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 4 को नीचे वाले 4 से भाग किया, 4 को 4 से भाग किया 1, उस 1 को ऊपर 1 से गुना कर दिया, 1 एकम 1, प्लस 4 को 2 से भाग कर दिया, 2 दूनी 4, तो 4 को 2 से भाग करके आया 2, उस 2 को ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 2 होता है 3, नीचे आ गया 4, तो x आ गया 3/4, और x किसके बराबर था, हमारी संख्या के बराबर, तो हमें क्या निकालनी है, वह संख्या क्या है, देखो क्वेश्चन में लिखा है वह संख्या क्या है, तो हमारी जो संख्या है वह x के बराबर है, और x किसके बराबर आया है, 3/4 के बराबर आया है, ठीक है, यही हमारा उत्तर है। आइए इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं हम। एक आयताकार तरणताल, तरणताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब एक ही बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। देखो एक आयताकार, आयताकार का मतलब हो गया एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है ना, एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने, यानी पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए तो लंबाई पता होगी, राइट, तो चौड़ाई को हमने मान लिया x मीटर, तो अब लंबाई किसके बराबर होगी, देखना ध्यान से,
प्रश्न में से ही पता चलेगा बच्चों, देखो ध्यान से प्रश्न क्या कहते हैं। ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई थी x, इसका दुगना हो गया 2x। ये समझ आया बच्चों, चौड़ाई थी x, चौड़ाई के दुगने, दुगना होता है 2x से 2 मीटर अधिक है। अच्छा, इस 2x से भी 2 मीटर अधिक है, ये क्या आ गई लंबाई। यही ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। हमने क्या किया, देखो चौड़ाई हमें दी पता नहीं थी तो हमने चौड़ाई को माना x मीटर, उसके बाद लंबाई दी है चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई है x तो चौड़ाई का दुगना हो गया 2x, उससे 2 मीटर अधिक, तो 2 अधिक यानी प्लस 2 मीटर। अब ये आ गई लंबाई, ये आ गई चौड़ाई। यदि इसका परिमाप है 154 मीटर, अब ये आयत है तो हमें पता है कि आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। यही है ना आयत के परिमाप का फॉर्मूला, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है 154 मीटर। तो 2 गुना लंबाई, देखो लंबाई किसके बराबर थी 2x प्लस 2 के, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई किसके बराबर है x के बराबर 154 मीटर, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया मीटर। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये 2 जो है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ गुना हो रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो 154 के साथ क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। अब पहले इसी को शिफ्ट कर देते हैं, 154 2 इधर इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, ठीक है। और यहां क्या हुआ, यहां है 2x प्लस x, x मतलब 1x, 2x प्लस 1x हो गया 3x, 2x प्लस 1x हो गया 3x, इसको 2x प्लस 2 4x नहीं लिखना है, इसके साथ x है इसके साथ x नहीं है, तो ये आपस में प्लस नहीं होंगे, x वाली रकम में ही प्लस होगी। तो 2x प्लस 1x हो गया 3x प्लस, यहां 2, 2 के साथ और कोई नंबर नहीं है तो ये आ गया 2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 2 154 के साथ कटेगा, कैसे कटेगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, 15 में से 14 निकाले 1, 1 और 4 14, फिर से 2 सते, यानी 77 दूनी 154 होता है, तो यहां बच गया 77। अब देखो ध्यान से, ये है 3x बराबर, यहां बचा है 77 मीटर, प्लस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2, साइन उल्टा होता है ना बटो, यहां प्लस था ये उधर आके हो गया माइनस, साथ में आ गया मीटर, तो यहां से आ गया 3x बराबर 77 में से 2 निकाल दिए 75 मीटर, तो x आ गया 75, 3 इधर गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग, ठीक है। तो ये 3 के साथ 75 फिर कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 25 दिया 75, तो यहां से बच्चों हमारे पास जो x आ गया वो आ गया देखो 25। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि x निकालो, हमारा क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ा देता हूं। हमारा क्वेश्चन था यदि इसका परिमाप इतना है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं चौड़ाई, चौड़ाई किसके बराबर थी, मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, चौड़ाई किसके बराबर थी x मीटर के, लंबाई थी 2x प्लस 2 के, तो चौड़ाई है x मीटर और x कितना है 25, इसका मतलब चौड़ाई तो हो गई 25 मीटर। ऐसे ही हम निकालेंगे लंबाई, लंबाई है 2x प्लस 2 मीटर। अब x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम, जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 25 प्लस 2 मीटर, 25 दूनी हो गया 50 प्लस 2 मीटर, ठीक है बच्चों।
और 50 और 2 कितना होता है 52 मीटर। अब देखो ध्यान से, हमारा क्वेश्चन था कि इस तरण ताल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने यहां पर देखिए चौड़ाई निकाल दी है 25 मीटर और लंबाई निकाल दी है 52 मीटर, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है बच्चों।